और राइट हैंड साइड से खुलता है ऑयल फिल्टर, वो स्टैनर है ये फिल्टर, दिस इज ऑयल फिल्टर ऑफ RS 200Y। क्वालिटी प्रीमियम का भी एक फील होता है और कॉस्ट इतनी ज़्यादा भी नहीं है। सो हे गाइस, दिस इज सैंडी, एक बार फिर से दिल से स्वागत है सिनसिनाटी व्लॉग्स में। तो आज दिन आ चुका है, आज मैं सर्विस के लिए लेकर जा रहा हूँ। दो तीन चीजें हैं वो भी डन करवानी है और आई थिंक ये फिफ्थ सर्विस होने वाली है। मुझे नहीं लगता फ्री होगी, बाकी ट्राई कर लेंगे यार। दिवाली के टाइम पे ली थी, उस टाइम पे चल रहा था फेस्टिवल, तो उन्होंने कहा था कि फिफ्थ सर्विस तक फ्री है। इंजन ऑयल चेंज होगा, फिल्टर चेंज होगा, एयर फिल्टर का मैं पूछ लूंगा, अगर करते हैं तो मच बेटर है। हमारे साथ जो देने वाले हैं वो है अपने आलम भाई। आलम भाई, क्या हाल चाल भाई? तुम यार एक्टिंग नहीं करते यार, वीडियो वायरल नहीं होती यार, चलानी नहीं आती, तो झटका 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 करता रहता है। तो फाइनली निकल चुका हूँ डेस्टिनेशन के लिए, हमें जाना है सरंद रोड पे और अभी हम बड़ी बारादरी के करीब भी पहुंचे हैं। निकलते हैं फुल पावर और देखते हैं क्या सीन रहता है। होप सो व्लॉग अच्छा चला जाए, बहुत दिनों के बाद ये व्लॉग बना रहा हूँ, अच्छा तो जाना चाहिए। मन करता है डेली व्लॉग डालने का बट मेरी जमीर मुझे इजाज़त नहीं देती। अभी मैं फ्यूल स्टेशन पे आ चुका हूँ, इसमें फ्यूल बहुत कम है, देख पा रहे हो आप। फ्यूल भरवा लेते हैं, उसके बाद सीधा एजेंसी में ही मिलता हूँ। सो फ्यूल वगैरह भरवा लिया था गाइस, निकल रहा हूँ फुल पावर एजेंसी के लिए। ये आरएस की तो डाउनशिफ्ट भाई एक अलग ही लगा हुआ है। 200 सीसी का इंजन ऐसी आवाज़ निकाले, वो भी खाली एक सिलेंसर निकाला था मैंने और कुछ भी नहीं किया अभी तक, कोई पेंट पाइप नहीं डलवाई, कोई आफ्टर मार्केट कोई एग्जॉस्ट नहीं डलवाया, उसके बाद भी इतनी प्यारी साउंड है ना इसकी। सो गाइस, फाइनली अपने बाइक का काम शुरू हो चुका है, डीजल वगैरह लगा रखा है भाई, पूरी चमक रही है बाइक, मस्त लग रही है। सो गाइस, दिस इज ऑयल स्टैनर, ये भी फिल्टर ही होता है, ऑयल स्टैनर फिल्टर यहाँ से खुलता है लेफ्ट हैंड साइड से भाई, और राइट हैंड साइड से खुलता है ऑयल फिल्टर, वो स्टैनर है ये फिल्टर है। सो ये अपना चैनल है सिनसिनाटी व्लॉग्स तुम्हारे भाई का, इसको सब्सक्राइब कर लो। पे अपना ऑयल फिल्टर बाहर आ चुका है और चेक कर सकते हो भाई कितना काला हो रखा है। सो गाइस, हेयर इज ऑयल फिल्टर, ये चेक करो भाई कितना डिफरेंस है उसमें, पूरा काला हो गया था ये। दिस इज ऑयल फिल्टर ऑफ RS 200 भाई। RS 200 बहुत करता हूँ मैं, बाय कर रखा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, कुछ अलग ही फीलिंग, कुछ अलग ही लगाव है यार इस मशीन के। जब आप लीनिंग करते हो, जब आप स्पीडिंग करते हो और जो इसका ब्रेकिंग का कंट्रोल है भाई, एक नंबर भाई। मुझे परेशानी नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, हाँ थोड़े बहुत सर्विस के लिए पैसे ज़्यादा लगते हुए हैं, वो जब आप भगाते हो, जब आप फील करते हो वो राइड, उस टाइम पे सारे पैसे जो होते हैं पूरे हो जाते हैं भाई। यहाँ पे ऑयलिंग हो रही है, एयर फिल्टर की अगर मैं बात करूँ तो एयर फिल्टर यहाँ पे रखा हुआ है भाई, इसकी जगह अगर इसमें दे देते ना तो बहुत ईजी हो जाता और शायद से अभी मैं करवा भी लेता, 2 से 3 घंटे तो लगेंगे भाई। थैंक यू गाइस, यहाँ पे जतेंद्र सिंह नाम लिखा हुआ है, अपने भाई जो है यही कर रहे हैं और इनका नंबर है, अगर किसने सर्विस करानी हो तो एक नंबर करते हैं भाई, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और विजिट कर सकते हो। चलो ये इतने कर रहे हैं अपन, फिर चाय एंजॉय करते हैं भाई। सर्विस वगैरह सारी डन हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो गाड़ी एकदम से चमक रही है और इधर आके ना यार ये डीजल वगैरह मारते हैं तो इस वजह से काफ़ी नई लग रही है, अब चलाने में भी बहुत मज़ा आने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। ऑयल फिल्टर चेंज करवा लिया है, ऑयल एक्सटेंशन बोल रहे थे वो भी चेंज करवा लिया और ऑयल डलवा लिया है, जो कॉस्ट आई है ऑलमोस्ट मुझे 900 की आई है। जो भी बोले यार, बजाज वालों की गाड़ियाँ ना इतनी कॉस्टली नहीं है, अगर मैं कंपेयर करूँ KTM वगैरह एंड ऑल, क्वालिटी प्रीमियम का भी एक फील होता है और कॉस्ट इतनी ज़्यादा भी नहीं है, चलाने में तो भाई एक अलग ही मज़ा है। ये मशीन तो मैं कभी नहीं भूलने वाला भाई, ये मेरी लाइफ की फर्स्ट मशीन है जिसको मैं एक्सपीरियंस करता हूँ एक स्पीड के साथ। फर्स्ट टाइम जब 145 किया था भाई, एक अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही थी, वो भी अपनी बाइक पे। देखो क्या उठ रही है भाई, प्लेन की तरह ज़ूम। थोड़ा खींच भी सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, इंजन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सच बताऊँ तो यार, अगर इसको रेटिंग देनी हो ना RS 200 को, अगर आप प्लान कर रहे हो, देखो एक दो चीज़ों के मामले में तो ये डाउन जाती है। पहला इसकी वाइब्रेशन तो है डेफिनेटली, वो तो मैं बोल रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि एयर फिल्टर यार इसके नीचे दिया हुआ है, तो एयर फिल्टर अगर खुलता है तो उसमें 3-4 घंटे लाइक पूरी दिहाड़ी लग जाती है, समझ रहे हो।
सो इस वजह से जल्दी जल्दी नहीं चेंज कर रहे हैं इसको। और 9000 एंड समथिंग चलिए, ज्यादा मैं चलाता नहीं हूँ, घर वाले मुझे निकलने देते नहीं है। जब भी बाहर निकलता हूँ व्लॉग करने का ट्राई कर लेता हूँ मैं। बात करूँ अगर रेटिंग की तो 10 out of 8 तो भाई मैं देने वाला हूँ आर एस को। पूरे होश और आवाज में बोल रहा हूँ कि भाई RS 200 इज लव, अलग ही लेवल का इसके साथ फील है भाई। ये इंजन कभी भी नहीं भूलने वाला और कभी मैं इसको सेल नहीं करने वाला, हमेशा अपने पास रखूंगा और जब भी मौका मिले इसको राइड ज़रूर करूंगा, जैसे कि कर रहा हूं और करता रहूंगा। काफ़ी बजट फ्रेंडली बाइक है, कोई इतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, सर्विस कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं आती है। हाँ अगर आप इंजन ऑयल बढ़िया वाला डलवाते हो तो यू हैव टू पे 1500 एंड समथिंग, क्योंकि 1200 का तो खाली मेट्योल का इंजन ऑयल ही आता है। और इधर मैं कट मारता हूँ पीछे उसकी हुई इसको प्लेन बोलना हो ना वो गलत नहीं होगा भाई। देखो जेट है क्या खींच रही है भाई, बहुत कम चांस होता है जब मैं फुल रेस देता हूँ, फुल थ्रॉटल देता हूँ, बहुत कम चांस होता है। डाउन शिफ्ट, लेट्स गो। निकलती है तो रिएक्शन ऐसे मिलते हैं। अरे ब्रेकर आ गया, कैसे फाइनली पहुंच चुके हैं बड़ी बारादरी में, और मुझे छोटी बारादरी जाना है तो इधर से थोड़ा सा आगे ही है। एनी हो गाइस, वीडियो अच्छी लगी होगी तो कर देना एक सब्सक्राइब बटन, लाइक मत ही करना, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब चाहिए भाई मुझे, सब्सक्राइबर बहुत कम है और जल्दी जल्दी 1K करवाने। बाकी अभी इसी वीडियो को एंड करता हूँ और होप आपको अच्छी लगी होगी, और मिलता हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। चलो